हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत कर। तो चलिए आज के जो सेशन है आगे बढ़ाते हैं। तो हम एंशियंट हिस्ट्री यहाँ पे पढ़ रहे हैं। पिछले क्लासेस में 105 क्वेश्चन में कंप्लीट कराया था, तो पिछले क्लासेस को अगर नहीं देख रहे हो तो जाके देख सकते हैं। 106 पार्ट हम अपलोड कर चुके हैं। ये हमारा सातवा पार्ट है एंशियंट हिस्ट्री का। कंप्लीट आपको मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा दिए। मॉडर्न हिस्ट्री सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, उसका सिलेबस भी बहुत बड़ा होता है। तो ये एंशियंट हिस्ट्री के बाद हम सीधा मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट आपको कराएंगे। कंप्लीट हिस्ट्री आपको कराया जाएगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तब ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। तो क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित कौन से जो राजा थे जो गौतम बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंबिसार, उदीन या आपके घनानंद। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बिंबिसार, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंबिसार कौन थे? तो बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के राजा थे, जो महावीर गौतम बुद्ध के समकालीन थे, और इन्होंने जैन ग्रंथों के अनुसार जो आपको महावीर के शिष्य थे, और उन्होंने बौद्ध जो आपके उनके जो बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह आपके ज्ञान प्राप्त करने के पहले आपके गौतम बुद्ध से जी इन्होंने बिंबिसार मिले थे गौतम बुद्ध से, और उनके शिष्य भी थे, और ज्ञान प्राप्ति करने के लिए गौतम बुद्ध से मिले थे, और गौतम बुद्ध ने उनकी राजधानी यहाँ पे मतलब घूमने आवा करके इन्होंने वादा किया था। और उनके जब राज्य काल चल रहा था 544 ईसा पूर्व में या अब तक 493 ईसा पूर्व तक इन्होंने रहा था, तो इसको याद रखिएगा। तो गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे? तो बिंबिसार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा जो शासक अपने पिता बिंबिसार के हत्या करके गद्दी पर बैठा था? तो अजातशत्रु, अशोक, उदीन या आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा अजातशत्रु करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अजातशत्रु अपने पिता के साम्राज्य के विस्तार की नीति को यहाँ पर बहुत ही ऊपर तक पहुँचाया था इन्होंने। अजातशत्रु के सिंहासन मिलने के बाद इन्होंने अपने राज्य संघर्ष के यहाँ पे पूरी तरीके से कठिनाई से यहाँ पे घिर गया था, फिर लेकिन अपने जो इन्होंने अपनी बुद्धिमानी से सभी पर विजय प्राप्त की थी। तो अजातशत्रु थे इन्होंने बिंबिसार की अपने पिता थे अजातशत्रु बिंबिसार उसके पिता थे, इन्होंने हत्या करके गद्दी को हड़प ली थी, इसको याद रखिएगा। ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? याद रखिएगा, तो हर्यक वंश के अंतिम शासक अजातशत्रु, उदयन, अनुरुद्ध या आपका नागदशक। तो हर्यक वंश के जो अंतिम शासक आपके नागदशक थे, याद रखिएगा अंतिम शासक। और हर्यक वंश की जो संस्थापक या स्थापना आपके बिंबिसार ने किए थे, अभी जस्ट बताया, तो इन्होंने स्थापना की थी। स्थापना से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो हर्यक वंश के जो स्थापना आपके बिंबिसार के द्वारा किए थे, हर्यक वंश के राजा थे, और एक नागदशक इसके अंतिम शासक थे, इसको याद रखिएगा। तो हर्यक वंश में चार शासक थे, बिंबिसार जिन्होंने 544 से 492 आपके संस्थापक भी हैं, प्रथम शासक। इसके बाद उसके बेटे आए थे अजातशत्रु, अजातशत्रु के बाद उदयन, इसके बाद लास्ट में आपका नागदशक। ये आपके इसी तरह पे इनको शासन चल। तो हर्यक राजवंश का जो स्थान किस राजवंश ने लिया था? तो आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका शिशु नागवंश, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिशु नागवंश के जो संस्थापक शिशु नाग ने किसके उत्तराधिकारी बने थे? तो मुंडा, कालाशोक, नागदशक या आपका अजातशत्रु। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा नागदशक, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिशु जो राजवंश की जो स्थापना 413 ईसा पूर्व में शिशु नाग के द्वारा हर्यक वंश के जो अंतिम शासक है, इन्होंने महाराजा नागदशक की हत्या करने के बाद की गई थी। और शिशु नागवंश के जो राजाओं ने मगध की जो प्राचीन राजधानी जो ग्रीवरस थी, याद रखिए राजधानी पूछा जाता है मगध की राजधानी कौन सी थी, तो ग्रीवरस थी, याद रखिए, राजगिरी भी बोला जाता है इसको, और वैशालु को अपनी राजधानी बनाकर शासन किया था, तो इसको याद रखिए, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कालाशोक किसका संरक्षक था? प्रथम बौद्ध संगीति का, द्वितीय बौद्ध संगीति का, तृतीय बौद्ध संगीति का या आपके चतुर्थ बौद्ध संगीति का? तो कालाशोक किसके संरक्षक था, कौन से बौद्ध संगीति का? तो कालाशोक का जो संरक्षक था आपका द्वितीय बौद्ध संगीति का संरक्षक था, याद रखिएगा। तो आपके जो
जो काला शक थे, तो इनके द्वारा जो इनके समय में इनके राजपाट के दूसरी बौद्ध संगीति का आयोजन यहाँ पे किया गया था वैशाली में। इसके जो अध्यक्ष आपके सावाकामी थे, और इन्होंने माना जाता है कि इनके शासनकाल में पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया गया था। तो इसको याद रखिएगा, तो कालाशोक किसके संरक्षक थे, द्वितीय बौद्ध संगीति थे। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट है। बाकी चारों जो ऑप्शन दिए उसको मैं पिछले क्लासेस में बता चुका हूँ, जितने भी बौद्ध संगीति हुए कहाँ कहाँ हुआ था सबको मैं पूरा डिटेल के साथ बता चुका हूँ। नंद वंश के संस्थापक कौन है, याद रखिए, नंद वंश के संस्थापक बिंबिसार, घननंद, महापद्मनंद या आपके बिंदुसार। नंद वंश के संस्थापक कौन थे, इसका जो करेक्ट आंसर बिंबिसार, घननंद, महापद्मनंद या बिंदुसार, इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नंद वंश के जो संस्थापक आपके कौन थे, इसका सही उत्तर हो जाएगा महापद्मनंद कहा जाता है। तो नंद वंश के संस्थापक थे महापद्मनंद, और इन्हें भारत के पहले ऐतिहासिक सम्राट के रूप में इनको जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा, तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब मगध पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, मौर्य, नंद वंश, गुप्त वंश या आपका हर्यक वंश। तो अगला क्वेश्चन में देखते हैं, जब सिकंदर भारत में आक्रमण किया तब मगध पर कौन सा राजवंश शासन कर रहा था, मौर्य, नंद, गुप्त या हर्यक वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो यहाँ पे सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया तब पूरे उत्तर भारत पर जिस राजवंश का शासन था वो आपका मगध साम्राज्य था। एक मिनट, तो उस समय आपका नंद वंश था, भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। तो यहाँ पे मगध साम्राज्य का नंद वंश था, और उस समय सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया, और उसी समय मगध पर राजा घननंद का भी शासन था, और उस राजवंश के आपके अंतिम शासक इनको माने जाते हैं। तो इसको याद रखिएगा, भी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के अंतिम शासक कौन था, घननंद, रामानंद, पद्मानंद या महापद्मानंद। तो नंद वंश के जो अंतिम शासक कौन थे, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका घननंद, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, महापद्मानंद के नाम से इसको जाना जाता है पूरे राजवंश को, तो नंद वंश इसको कहा जाता है। तो नंद वंश के अंतिम शासक घननंद था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा कर मौर्य राजवंश की स्थापना की थी। याद रखिए, नंद वंश के अंतिम शासक घननंद थे, घननंद थे या आपके चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा कर मौर्य राजवंश की, इसके बाद इन्होंने स्थापना की थी मौर्य राजवंश की। जैसे खननंद मतलब नंद वंश को ख़त्म करने के बाद आपका मौर्य राजवंश आ गया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य राजवंश के संस्थापक भी कहे जाते हैं, प्रथम शासक है मौर्य वंश के, तो इसको याद रखिएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने नंदों की सत्ता को उखाड़ फेंका, तक्षशिला, उज्जैन, मगध या श्रवण बेलगोला। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश को ख़त्म करके अपने चंद्रगुप्त मौर्य के राजवंश की स्थापना इन्होंने की थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य नंदों की जो सत्ता कहाँ उखाड़ फेंका थे, ये आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके मगध में। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो याद रखें, नंद वंश को समाप्त कर जो चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना सत्ता यहाँ पे स्थापित किया था, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, नंद वंश के बाद मगध पर किस वंश ने शासन किया था, मौर्य वंश, गुप्त वंश, कुषाण वंश या शुंग वंश। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नंद राजवंश के बाद मगध पर आपका चंद्रगुप्त मौर्य याद रखिएगा, तो चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा मौर्य वंश का शासन यहाँ पे इन्होंने स्थापित अपने राज्य को स्थापना यहाँ पे किया गया था। तो इसको याद रखिएगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। फिर जिसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के बाद कौन से शासन, मतलब जैसे मौर्य वंश जैसे ख़त्म हुआ उसके बाद आपका शुंग वंश आ गया था, पुष्यमित्र जो शुंग द्वारा स्थापित किया गया था। तो आपका मौर्य वंश के बाद आपका शुंग वंश जो पुष्यमित्र शुंग, इसके स्थापना इन्होंने किया था। तो इसको याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक कौन है, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, चंद्रगुप्त द्वितीय या आपके बिंदुसार। तो मौर्य वंश के जो संस्थापक आपके कौन है, तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी जस्ट बताया हूँ, चंद्रगुप्त मौर्य। तो मौर्य वंश के संस्थापक है आपका चंद्रगुप्त मौर्य। इन्होंने मौर्य राजवंश ने लगभग 137 साल तक इन्होंने भारत में राज किया। इसकी स्थापना का श्रेय आपका चंद्रगुप्त मौर्य, उसके जो मंत्री थे चाणक्य,
उनके मंत्री थे चाणक्य, उन्होंने मतलब स्थापना के इनको श्रेय दिया जाता है। और ये अपना जो साम्राज्य आपके मगध राज्य में गंगा नदी के मैदान में जो आपके अभी बिहार में बंगाल से शुरू होता है, तो यहाँ से राजधानी उनकी पाटलिपुत्र थी, जो आज के नाम से इसको पटना के नाम से अब इसको जाना जाता है। तो यहाँ पे राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया गया था और आज इसको पटना शहर के नाम से इसको जाना जाता था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद के अनुसार सबसे पवित्र नदी कौन सी है? गंगा नदी, यमुना नदी, सिंधु नदी या सरस्वती नदी? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, याद रखिएगा। तो ऋग्वेद के अनुसार सबसे जो पवित्र नदी किस नदी को मानी गई है? तो सरस्वती नदी को, जो कि सबसे इसमें सबसे पवित्र नदी मानी गई है, परम पवित्र नदी के नाम से। इसके तट पे यहाँ पे लोग इसका पानी वगैरह का सेवन करते थे और ऋषियों के द्वारा भी आपके खासकर इस पानी का उपयोग करते, तब तो इसको सबसे पवित्र नदी इसको बताया गया है। सबसे ज़्यादा बार जो कौन से नदी का वर्णन किया गया है ऋग्वेद में, तो याद रखिएगा सिंधु नदी। एग्जाम में दोनों क्वेश्चन पूछा गया है, तो सिंधु नदी का वर्णन जो है सबसे ज़्यादा बार किया गया है और सरस्वती नदी को सबसे मतलब पवित्र नदी के रूप में उल्लेखित किया गया, तो इसको याद रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितने बार है? 1, 2, 3 या 5 बार? तो ऋग्वेद में यमुना नदी का उल्लेख कितने बार हुआ है? तो ऋग्वेद में यमुना का जो उल्लेख है, ये जो यमुना नदी है, इसका उल्लेख यहाँ पे 3 बार किया गया है, याद रखिएगा। तो यमुना का उल्लेख यहाँ पे 3 बार किया है और गंगा नदी का यहाँ पे 1 बार किया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर पूछें और बाकी तो बता ही चुका हूँ, सबसे ज़्यादा उपयोग जो वर्णन है आपका सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है और सरस्वती नदी आपसे सबसे पवित्र नदी इसको बताई गई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यह सिद्धांत किसने दिया कि आर्य मध्य एशिया से आकर 7 नदियों की भूमि पर बसे थे? आपके हर्ज़फेल्ड ने, स्वामी दयानंद सरस्वती ने, बीजी तिलक ने या आपके मैक्स मूलर ने? तो 120 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मैक्स मूलर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो मैक्स मूलर के अनुसार इनका एक सिद्धांत दिया था इन्होंने कि जो आर्य थे, आर्य का मतलब क्या होता है, तो मतलब आदर्शवादी, मतलब अच्छे हृदय वाला जो व्यक्ति है, इसको आर्य कहा जाता है। तो आपके मध्य से आकर 7 नदियों की भूमि पर बसे थे, तो आपको मैक्स मूलर का सिद्धांत इन्होंने दिया था। तो यहाँ पे जो मैक्स मूलर थे, मैक्स मूलर इन्होंने इस सिद्धांत, मैक्स मूलर कौन थे? जर्मन के एक व्यक्ति था, समाजशास्त्री था, इन्हों ब्रिटिश इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे, ये जर्मन यहाँ पे ये बहुत ही ज्ञानी थे। तो इन्होंने ये अवधारणा को दिया था कि जो 7 नदी सुभूमि आकर बसे थे आपका, ये आपके जो आर्य थे, इन लोग मध्य से आकर 7 नदी को बीच इन बसे थे, ये खसकर के कारण इन लोग यहाँ पे इसको बताए थे आपके मैक्स मूलर के अनुसार। तो इसको याद रखिए, ब्रिटिश आपके ये आपके ब्रिटिश जर्मन वासी थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के आपके कर्मचारी थे, तो इसको याद रखिएगा। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, और आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हो तो आप डेली बेस पे करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं, आपके हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और छत्तीसगढ़ के जीएस पढ़ा रहा हूँ मैं, छत्तीसगढ़ के जीएस में छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास के बारे में स्टार्ट किए हैं, तो जैसे ख़त्म होता है इसके बाद हम दूसरा टॉपिक हम देखेंगे। तो चलिए आज के सेशन यहीं तक रखते हैं, तो कमेंट करके जरूर बताइए आज के सेशन कैसे लगा। थैंक यू।